565 days और 18 months, इतना टाइम पीरियड हो गया है जब हमारा कंट्री का सबसे बड़ा सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब देख सकता है. आज हम उसका ऑफिस में आया हुआ है. लगभग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 में फर्स्ट टाइम सीबीआई जो है हमारे स्टेट का सबसे बड़ा इशू एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू को इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था. जैसे आपको पता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू से ये सीबीआई का जो गठन हुआ है दिस इज सपोज टू बी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है ऐसा एक क्रिमिनल ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है विच कैन फंक्शन विदाउट द डिस्क्रेशन विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन आज यहाँ पे इतना समय के बाद इतना मंच के बाद इतना देश के बाद आज आप देख सकता है जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे विजिट किया था ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मंथ्स पहले तब देखिए तब भी ये ऑफिस लॉक था और आज भी लॉक्ड है. और यहाँ पे जो कंसर्न आयो है जो कंसर्न ऑफिसर्स है जब वो लोगों को पूछताछ किया इनफैक्ट अभी तो फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है. एज वन ऑफ द कंप्लेनेंट्स एज वन ऑफ द एग्रीव्ड एस्पिरेंट हमने यहाँ पे हमारा जो कंप्लेंट हमने दर्ज किया था लास्ट टाइम. तो अभी इतना समय हो गया है अभी तक हम लोगों को अता पता नहीं है. और जब वहां पे जाता है जब कोर्ट में जाके पता चलता है कि नॉट इवन अ सिंगल चार्जशीट अभी तक कंप्लीट हुआ है अभी भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है. और आप इमेजिन करो यहाँ पे इतना ज्यादा जो केसेस है इतना ज्यादा जो खुलासा हुआ है हमने इतना ज्यादा इनपुट दिया उसके बावजूद भी अभी तक नॉट इवन अ सिंगल अरेस्ट. तो ये संदेश जो है ये मैसेज जो है सीधा हमारा जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा जाना चाहिए हमारा जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सीधा जाना चाहिए और जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स का जो मिनिस्टर है जो नया मिनिस्टर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है अरुणाचल प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा एमपी किरण रिजिजू साहब को जाना चाहिए और जो हमारे स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू सर ये मैसेज आप लोगों को सीधा जाना चाहिए. क्योंकि आप देखिए यहां में जो जिस हिसाब से ये जो केस जो खुलासा हुआ है और इतना सब्सटेंस मिलने के बाद आज भी अभी भी सीबीआई जो है पहले जो स्थिति में था अभी भी उसी स्थिति में है. अभी आप इमेजिन करके देखिए जो यहाँ पे जो नॉर्मल से एसआईटी हो गया या फिर कोई लोकल पुलिस स्टेशन का वहां का जो इन्वेस्टिगेशन है अभी उससे भी गया गुजरा है. हमारा डर ये था हमारा आशंका ये था कि एसआईसी से जो नहीं हो पा रहा था उसको सीबीआई आके इसको पूरा करेगा. इनफैक्ट जो हमारा एक हमारे ऐसे सिटीजन हमारा एक होप रहता है एस्पिरेशन रहता है एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये जो कंट्री का जो सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये अपना काम करेगा अपना जो ड्यूटी है उसको सही तरीका से डिस्चार्ज करेगा. लेकिन आप देख सकता है 1.5 साल हो गया है 565 डेज से भी ज्यादा हो गया है फिर भी आज ये स्थिति है. तब भी लोग था अभी भी लोग था अभी यहां में आसपास में जो भी रेसिडेंट्स का जो भी यहाँ पे लोग है उन लोगों को जब पूछताछ किया तो पता चलता है कि सीबीआई जो है ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मंथ से यहाँ पे आया ही नहीं है. यहाँ पे जो चौकीदार आता था वो चौकीदार भी अभी नहीं है. अभी चौकीदार को भी समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई आता नहीं है तो चौकीदारी करने का भी जरूरत नहीं है और सबसे आसान काम तो ये हो गया कि इसको लॉक करके रख दिया. शायद ये बात को भूल गया है ये जो खुलासा जो हुआ था ये जो एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो खुलासा हुआ था ये अभी का जो एट प्रेजेंट जो बर्निंग इश्यूज है नीट का जो जहां पे पेपर लीकेज का जो इश्यू चल रहा है यहाँ पे जो यूजीसी में जो प्रॉब्लम हो रहा है इससे पहले ये चीज खुलासा हुआ था. और शायद ये बात भी भूल गया है कि अरुणाचल प्रदेश एज द फ्रंटियर स्टेट इट इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट इन द होल ऑफ द कंट्री पूरा एंटायर इंडिया में सबसे सेंसिटिव स्टेट है. और आज यहाँ पे इतना बड़ा जो घोटाला जो एक यहाँ पे अनफोल्ड हुआ और इतना सब्सटेंस मिलने के बावजूद भी सीबीआई जो है यहाँ पे एक भीगी बिल्ली बन के रह गया है. तो आप इमेजिन कर सकता है व्हाट हमारा जो यहाँ पे जो इसका जो रेपरकशंस होगा इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा जो इसका जो जो पेपर लेके जो एक घोटाला जो पहले से चल रहा था अगर इसको हम एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा तब इमेजिन कर सकता है
इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, और खास करके ऐसे एक स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, इतना छोटा सा राज्य है जहां पे पॉपुलेशन इज हार्डली 14 लैक्स का आसपास है, लेकिन इतना बड़ा घटना होता है और यहां में सबको पता है कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन यहाँ पे ये पेपर लीकेज केस में जो यहाँ पे पकड़ा गया है और जिसको अभी तक पकड़ा नहीं है। तो सीबीआई की तरफ से इतना इनपुट आने के बावजूद भी, इतना सबूत देने के बावजूद भी सीबीआई से कुछ नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट जहां पे एसआईसी की तरफ से अरेस्ट हुआ था वो लोग का अभी तक उसका ये क्या बोलते जो चार्जशीट है वो भी कंप्लीट नहीं है, जिसका कारण से जितना भी कल्प्रित है वो जेल से बाहर हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है, ये बोला जाता है कि सीबीआई जो है ये एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, इसका अपना ऑटोनॉमी है, लेकिन जिस हिसाब से फंक्शन करता है आप देख सकता है बाकी स्टेट में, जहां पे ये मध्य प्रदेश हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे सीबीआई कैसे काम करता है और यहां पे क्या कर रहा है। इतना समय हो गया, नॉट इवन ए सिंगल अरेस्ट। अभी यहां मैं कुछ कुछ नाम में लेना भी चाहूंगा, अभी तक यंग सिरम का अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक उसके ऊपर में अभी तक क्यों इन्वेस्टिगेशन भी क्यों शुरू नहीं किया है। लाइकवाइज ऐसा ही इतना ज्यादा जो नाम लिया गया था अभी भी जस्ट सर्विंग इन द ऑफिस, अभी भी ऑफिस में काम कर रहा है, अपना जो रिस्पेक्टेड जॉब में अभी भी काम कर रहा है। तो दिस क्वेश्चन, ये जो है हमारा जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, आप स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग अस इन द सेंटर, आप अभी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, और यहां पे जो होता है अभी आप ये नहीं बोल सकते कि सीबीआई एक ऑटोनॉमी तरीका से काम, ये नहीं बोल सकता है, क्योंकि सीबीआई जो है गवर्नमेंट का डायरेक्शन से चलता है। अभी गवर्नमेंट, अभी सीबीआई अगर अपना काम नहीं कर रहा है, अभी नाउ इट इज योर ड्यूटी, आपका रोल बनता है पूरा एज अ होल ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल, अभी आप सीबीआई को फटकार लगाइए, अभी पार्लियामेंट में ये बात को रेस कीजिए कि सीबीआई अरुणाचल में काम नहीं कर रहा है। तो ये बात जो है बहुत सबको गौर करना बहुत जरूरी है, स्टेट का इनफैक्ट पूरा कंट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर ऐसा कर सकता है तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये संदेश जो है सीधा हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए, हमारा ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी को जाना चाहिए, हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब आपको जाना चाहिए, और हमारे स्टेट का जो ये चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू सर, अभी ये चीज को लेके आपका तरफ से भी आप यूनियन मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा सीबीआई यहां पे काम नहीं कर रहा है, और इसी बात को लेके हम भी लिखेंगे, जो सीबीआई का डायरेक्टर है हमने मल्टीपल टाइम्स हमने लेटर लिखा है, अभी फिर से लिखेगा, अभी इफ दे आर स्टिल नॉट वर्किंग अभी सीधा हम प्राइम मिनिस्टर के पास इसका कंप्लेन जाएगा, यूनियन होम मिनिस्टर के पास जाएगा, और किरण रिजिजू साहब आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ इट इज योर ड्यूटी कि यहाँ पे जो सीबीआई आया है स्टेट का सबसे बड़ा जो एक इश्यू है जो घोटाला हुआ है, नाउ दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। तो ये है हमारा ये का तरफ से, आज हम यहाँ पे आया है एंड इट इज वेरी सैड, बहुत दुख लगा है ये चीज देख के कि सीबीआई जो स्थिति में पहले था अभी भी उसी स्थिति में है। ये देखिए ताला लॉक्ड है, ऑफिस में कोई नहीं है, आसपास में पूछता है तो बोलता है कि ये तो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ से नहीं है, अभी इसका गलती किसको ठहराएगा। अभी आप नहीं बोल सकते कि ये जो लड़का लोग जो है ये बार बार डिस्टर्ब करके इसको अच्छे से काम करने नहीं दे रहे, हम तो यहां पे बार बार आता भी नहीं है, वंस इन 5-6 मंथ्स उसके बाद ही पता चलता है कि ये है, ये सिचुएशन है, और यहां पर कोई गार्ड तक नहीं है, पहले एटलीस्ट एक दो गार्ड रहता भी था, एक दो कोई रहता भी था, अभी वो भी नहीं है। पहले हम लोग को लगा था यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आया है, अभी तो पता चल गया कि ये लोग का हनीमून टाइम इज ओवर, वापस चला गया। अभी ये बात को किरण रिजिजू साहब, आप हमारा यूनियन मिनिस्टर है, आप स्टेट का हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अब ये बात को आपसे दरख्वास्त है फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल, आपको दोबारा से यहाँ पे मतदान मिला है, आपको मैंडेट मिला है, नाउ आपने जो काम पिछले 15-20 साल में नहीं किया, नाउ इट इज टाइम टू रेक्टिफाई दैट वर्क। तो ये मैसेज जो है आपको सीधा जाना है, और अरुणाचल के जितना भी तमाम जनता है, एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आप सबको समझना जरूरी है, यहाँ पे हमने जो मुद्दा पिछले 2-1.5 साल से उठाया, यहाँ पे सीबीआई का जो इंटरवेंशन आया,
सीबीआई का ये हालत है. तो इट इज अ वेरी सैड स्टेट. और हम उम्मीद करता है हमारा यूनियन गृह मंत्री अमित शाह जी, ये चीज को आप गौर से देख रहा है, आप ऐसे एक फ्रंटियर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, इतना सेंसिटिव स्टेट में ऐसा इतना बड़ा घोटाला होने के बाद सीबीआई नॉट इवन एक सिंगल अरेस्ट नहीं कर पा रहा है. सीबीआई जो अपना चार्जशीट को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, अभी इसमें फेलियर किसका है? अभी यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आप ये चीज को देखना है. हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आप ये चीज को देखिए. आप बाकी स्टेट में सीबीआई का इतना एफिशिएंसी है, विद इन नो टाइम सबको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? नॉट इवन ए सिंगल अरेस्ट. और ऑफिस जो ऐसा ही लॉक भरा हुआ है. तो ये संदेश जो है सीधा सीधा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब और हमारा जो स्टेट चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू सर, सीधा ये मैसेज आपके लिए है. और खास करके हमारा अरुणाचल का जितना तमाम जनता है, ये मैसेज आपके लिए है. थैंक यू.